सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है ओल फॉर्मूले 2D ज्योमेट्री, यानी द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के सभी फॉर्मूले, और उन फॉर्मूलों में आज जो मेन टॉपिक है वो है एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त। यानी आज के इस वीडियो में दीर्घवृत्त के हम सारे फॉर्मूले इसमें ले रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि सारे फॉर्मूले कंप्लीट एक ही बार में समझ में आ जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो CMPC टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। आज का जो है हमारा टॉपिक, हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास में है एलिप्स। 2D का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एलिप्स, और आपको पता होगा हम पिछले टाइम से इसकी शुरुआत जो करते आ रहे हैं वो इसकी एसेंट्रिसिटी से है, यानी उत्केंद्रता से। आपको पता होगा हमने सबसे पहले क्या लिया था, सर्कल लिया था। तो सर्कल के लिए E की वैल्यू क्या थी, 0। हमने सेकेंड नंबर लिया था पैराबोला, इसके लिए E की वैल्यू क्या थी, 1। और आज किसका नंबर आ गया, एलिप्स का। ठीक है, तो एलिप्स के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E < 1। ये हमें इसमें ध्यान रखना होगा। अब बात करें जो हमारा कॉनिक सेक्शन का मेन जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में ध्यान रखना डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, H² < AB और E < 1। ये आपको ध्यान रखना होगा। आपको मालूम है आपका जो सेकंड डिग्री व्यापक समीकरण जो है, द्विघात समीकरण, ये वाला द्विघात समीकरण आपको पता है, AX² + 2HX² + BY² + 2GX + 2FY + C = 0। और इसी से हम लिखते हैं डेल्टा। और डेल्टा ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो अपन ने सर्कल में यूज़ किया था और पैराबोला में यूज़ किया, और इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा क्या है, AB(C) + 2FGH - F² - BG² - CH², ये आपके डेल्टा की वैल्यू है। हम इसी के बेस पे हमारे कॉनिक सेक्शन को चूज कर सकते हैं कि कौन सा होगा। तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स के लिए, और इसमें ध्यान देना SP = E * PM वाले फॉर्मूले से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट इसका। हम सीधी बात करें, जो एलिप्स का मेन पार्ट है डायग्राम, और डायग्राम के बेस पे अपन सब कुछ इसके अंदर शो कर सकते हैं। ये आपके एलिप्स का डायग्राम है, और इस एलिप्स के डायग्राम में हमारे इससे जुड़े सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें शो हो रहे हैं। हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले आप देख लो हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस। तो हमारे इसमें ध्यान रखना होगा इस एलिप्स का जो एक्सिस है वो एक्सिस हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये हमें इसमें ध्यान रखना होगा, यानी एक्स अक्ष है इसका। फिर हम बात करें इसके अंदर, ये इसकी नाभियां हैं S और S-, और नाभियों के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, S + -AE0। ठीक है, फिर इसमें आता है नेक्स्ट पार्ट, ध्यान देना ये जो नाभिलंब LSL-, तो नाभिलंब की लंबाई जो इसमें आपके होती है B² / A, जिसको हम यूज करते हैं। इसमें हमारे L के कोऑर्डिनेट देख लो, AE B² / A, और L- के हो जाएंगे AE - B² / A। फिर आता है इसके अंदर जो नीता, ध्यान देना Z दे रखिए, ये वाली आपके, ये आपकी कहलाती है नियता, इसको हम नियता कहें, या डायरेक्ट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। ये इसका मेन पार्ट है। ठीक है, नियता आपके दोनों तरफ होगी। फिर इसमें दो चीजें और आ रही है, एक तो आता है AA- और दूसरा BB-। AA- हमारे हो जाएगा 2A और BB- हो जाएगा 2B।
ये आपके हैं मेजर एक्सेस और ये है माइनर एक्सेस, ठीक है। फिर हम अब इससे जुड़ी सी जो चीज़ें मैंने इसके अंदर ली है, मैं उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये देख लीजिए, जब हम इलिप्स की बात करें तो उस कंडीशन में इसका मानक समीकरण हमें पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। जहाँ जब जैसे भी आप इसका इक्वेशन लिखें तो आपको बी स्क्वायर के बारे में डायरेक्ट पता होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और वन माइनस ए स्क्वायर, ये अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसमें उत्केंद्रता की बात करें तो हम उत्केंद्रता इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे जो मैंने लिखा है। यहाँ ए ए डेज मैंने बताया आपके दीर्घ अक्ष, बी बी डेज आपके लघु अक्ष, टू बी नाभियाँ जो है उसकी निर्देशांक प्लस माइनस ए ई जीरो, जो मैं पहले कर चुका हूँ डिस्कस, नाभिलंब की लंबाई एल एस एल डेज, ध्यान देना टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। दरअसल देखिए ये जो आपके एलिप्स है और इसमें एल ये एस और एल डेज, तो नाभिलंब हमारा पूरा एल एस एल डेज है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो ओनली बी स्क्वायर अपॉन ए आ रहा था वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पूरी लंबाई है इसलिए ये नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ये अपने को ध्यान रखना होगा। फिर आता है इसका शीर्ष, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, और शीर्ष है इसका प्लस माइनस ए जीरो, ये इसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अक्ष हमारा एक्स अक्ष है, इसलिए अभी आगे इसके चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर आता है नाभिक गुण, हम कहते हैं फोकल प्रॉपर्टी, ये फोकल प्रॉपर्टी हमारे एस पी प्लस एस डेज पी इक्वल टू टू है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे डेफिनेशन जो है पैराबोला इसकी एलिप्स की वो इसी से क्रिएट होती है, ध्यान देना, ये एक तरह से डेफिनेशनल प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, सेम इसी में जो इलिप्स हमने पिछला लिया है हम उसी इलिप्स में ध्यान देना आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखना, इसमें एक खास बात लिखी है, जो पिछला वाला इलिप्स लिया था वो इलिप्स हमारे इस प्रकार से था, ठीक है, और जिसका अक्ष हमारा एक्स अक्ष था, ठीक है। तो इस केस में हमारे जो इसमें एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बी लेस देन ए था, लेकिन जैसे ही इसकी अक्ष बदल जाती है, क्योंकि हमारा जो इलिप्स है वो अब इस तरीके का बन गया है, तो इस कंडीशन में हमारे इसमें कंडीशन जो बनेगी वो बी बड़ा है ए से हो जाएगा, ये आपके कंडीशन सबसे पहले दे रखी है, ठीक है। अब इसमें जो ध्यान देना सेम वही है, इसका अक्ष जो है वो बदल जाएगा और ये वाई अक्ष बन जाएगा, जबकि पिछले वाले में एक्स अक्ष था, ठीक है। सेम वही स्थितियां बन रही है आपके, खाली इसकी नाभियां जो है वो एस, अब देखो इसकी जो नाभियां है इसकी नाभियां एस बनेगी वो जीरो और प्लस माइनस बी ई बन जाएगी, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है तो इसको ठीक से देख लेना, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, ये आप देख ले, इसमें इसने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, एक्स स्क्वायर पॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन। अब यहाँ उत्केंद्रता जो होगी वो सेम इसमें ए स्क्वायर की जगह उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इन टू वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर आता है इसमें सेम वही काम, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, तो अब की बार दीर्घ अक्ष आपका बी बी डेज बन गया है ना, क्योंकि ये इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये दीर्घ अक्ष आपका बी बी डेज बन जाएगा, तो ये आपके टू ए हो जाएगा और ये जो है लघु अक्ष वाला ये टू बी हो जाएगी। नाभिया इसकी हमारे पास होगी एस, जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस बी ई बन जाएगी इसकी, ठीक है,
और नाभिलम्ब की लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल एस एल डेज आपके 2b² / a ही रहेगी इसमें, ठीक है। फिर इसमें शीर्ष की बात करें तो ये हो जाएगा आपके b0 ± a, ठीक है। ये आपके चेंज है, इसके अंदर दोनों ही तरह के एलिप्स में डिफरेंस मैंने बता दिया डायग्राम से, ठीक है। अब हम इसके मेजर फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं अपन, ठीक है। जो चीजें हमने सर्कल और पैराबोला में स्टडी की थी, सेम हम वही चीजें इसमें भी ले रहे हैं, ध्यान देना। और क्या हमारा कर्व चेंज हो रहा है, कर्व बदल करके क्या बन गया, x² / a² + y² / b² = 1, और अब की लाइन है हमारी y = mx + c। और हम कर क्या रहे हैं, हमारा जो इलिप्स है, इस इलिप्स में एक कोई लाइन जो है y = mx + c, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारे दो काम है जो हमने अपने पैराबोला और सर्कल में किए थे, क्या, ये PQ अंतःखंड, ठीक है। तो पहले तो अपन PQ अंतःखंड की लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो PQ अंतःखंड की लंबाई इसमें पूरा नहीं किया, ध्यान देना, ये आपके PQ अंतःखंड की लंबाई क्या है, 2ab / a² / m² + b² √1 + m² और a² / m² + b² - c², ये आपके इसकी PQ की लंबाई है। हमें ऐसे फॉर्मूले याद रख लेने चाहिए सभी के लिए, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, इन सभी के लिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब आता है दीर्घवृत्त और रेखा के स्पर्श करने की शर्त, यानी अगर ये जो आपके लाइन है, ये आपके कहाँ आ गई, अब जो PQ है वो टेंजेंट बन गई है, जो आपका इलिप्स था, ठीक है, जो आपने PQ ली थी, ये आपके टेंजेंट बन गई। अब टेंजेंट बनते ही आपके इसमें क्या हो जाएगा, ये PQ जो है आपके जीरो हो जाएगा, और ये जीरो होते ही ये PQ जीरो, तो आपके बाकी सारी चीज़ें नॉट इक्वल टू जीरो में चली जाएगी, और ओनली ये टर्म रहेगी, ये वाली, ये टर्म, ठीक है। तो इसको अपने को जीरो कर लेना है, ये देख लीजिए, PQ जीरो करते ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका क्या, c² = a² / m² + b², ये अपने किसी भी रेखा द्वारा इलिप्स को स्पर्श करने की शर्त है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम चलते हैं इसके अंदर स्पर्श रेखा का समीकरण। मैंने बताया आपको कि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, याद आ रहा आपको, x² इट मीन्स x x1, y² इट मीन्स y y1, 2x इट मीन्स x + x1 और 2y इट मीन्स y + y1। तो इसमें तो ओनली हमारे x² y² आ रहा है, तो आप देख लो ये x x1 अब प्लस y y1 = 1 आ रहा, नीचे a² b² एज इट इज है जो है, तो ये अपने px1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब एक काम ध्यान देना, अगला टॉपिक दे रखा ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण, हर बार एक ही बात आ रही है, हमारे इस जो सरल रेखा थी y = mx + c, तो हमने किया क्या है, हमारे रेखा तो वही थे y = mx और प्लस माइनस, और हम ये c की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये स्पर्श करने की शर्त क्या, a² m² + b², ये आपके ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये देख लीजिए y = mx प्लस माइनस सी की वैल्यू, ठीक है, और इसी से आपके ये जो स्पर्श बिंदु आ रहे हैं, ध्यान देना,
तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी अक्सर पूछे जाते हैं। और ये निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे, आपके पास में जो अभी दो समीकरण आए, एक तो ये वाला ध्यान देना, और एक आपके समीकरण आया था एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। इन दोनों से आप कंपेयर करें और इससे आप एक्स वन वाई वन की वैल्यू निकाल लें। ये आपके एक्स वन और ये वाई वन, ये स्पर्श बिंदु है, अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर चूक जाए तो खाली आपको बस ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, स्पर्श रेखा का ढाल रूप में समीकरण और स्पर्श रेखा का पी एक्स वन वाई वन पर समीकरण। फिर चलते हैं हम अब आता है इलिप्स का अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या बन जाएगा इसका, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे तो इसको याद ही रखना चाहिए क्या, फिर मैंने जो तरीका बता रखा है मैं हर बार एक ही तरीका बताता हूँ। जो आपके स्पर्श रेखा का समीकरण है आप उसी की लंब रेखा का समीकरण निकाल लें, वो आपके अभिलंब का समीकरण आ जाएगा और ये वही समीकरण है। निकालने का तरीका आपको याद होगा, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक स्पर्श रेखा है तो इसका अभिलंब का क्या बनेगा, आपको ए और बी को अपना प्लेस चेंज करवा देना, ठीक है ये, और सी की जगह लेमडा डाल देना, और यह प्लस है तो आप माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, इक्वल टू जीरो। ये आपके इसका अभिलंब का समीकरण आ जाएगा। आपको खाली लेमडा की वैल्यू निकालनी है, जो कंडीशन दे रखी होगी, बिंदु दे रखे हो, बिंदु रख करके ना आप, इससे आपके ये इक्वेशन आ जाएगा और सेम वहीं आपके डाल रूप में इसका अभिलंब का समीकरण। तो ये डायरेक्ट सूत्र अपने को वैसे याद रखना चाहिए, ऐसे सूत्रों को एग्जाम में हम निकालने नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, अब आता है देखो जिस तरीके से हमने सर्कल के अंदर कुछ ऐसी चीजें ली थी उसी से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है सहायक वृत्त एक्सिलरी सर्कल। ध्यान देना एक्सिलरी सर्कल उसमें आया था डायरेक्टर सर्कल, और अक्सर एग्जाम में इस पर प्रश्न पूछते हैं हम एक्सिलरी सर्कल की जगह तो डायरेक्टर सर्कल और डायरेक्टर सर्कल की जगह एक्सिलरी सर्कल ठोक के आ जाते हैं, फिर घर आकर के सिर पकड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो दोनों को ठीक से समझ लेना आप, ये क्या है ध्यान देना, सहायक वृत्त यानी कि एक्सिलरी सर्कल क्या कह रहा है, दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर जो हम सर्कल बनाते हैं वो ही आपके सहायक वृत्त कहलाएगा। कैसे, जैसे आपका ये दीर्घवृत्त है, ठीक है, और ये आपका ए ए ए डेज आपका दीर्घ अक्ष है, तो आप इसको व्यास मान लें। कैसे, तो इससे व्यास मानते ही ये जो आपके वृत्त बना थोड़ा दीर्घवृत्त जैसा लग रहा है लेकिन आप इसको मान लेना कि ये सर्कल है, तो ये जो सर्कल बना है आपके ये सर्कल क्या कहलाएगा, सहायक वृत्त या एक्सिलरी सर्कल, ठीक है ध्यान देना। और फिर इसमें जो सामान्य इसका जो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये आपके ए था ने ये आपके बी था यहाँ से यहाँ तक, तो ये और ये जब बराबर बन जाएगा पूरा तो वह आपने इसी के अंदर आपको b इक्वल टू ए पुट करना, तो ये आपके एक्सिलरी सर्कल का समीकरण आ जाएगा जिसका केंद्र 0, 0 और त्रिज्या a हो जाएगी, सीधी सी बात। फिर आता है बिंदु का उत्केंद्र कोण, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायग्राम में ठीक से देख लेना, उत्केंद्र कोण यानी कि एसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट। हमारा जो सर्कल है एक्सिलरी सर्कल ध्यान देना वो हमने किससे बनाया था, इलिप्स से, ठीक है, जैसे ये आपका इलिप्स, ठीक है, और ये आपका सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ से इस ध्यान देना इस पी के लिए, पी हमारा कहाँ है, पी हमारे इलिप्स पर है ध्यान देना, ये यहाँ से, तो इसको आप आगे बढ़ा करके इलिप्स दीर्घवृत्त अपने सर्कल तक ले जाएं, ये क्यू बिंदु, और उसके बाद में यहाँ से आप लंब डालें तो ये आपके जो एंगल फाई बनता है जो कि इसमें बता रखा ये आपके एसेंट्रिक एंगल है ध्यान देना, ठीक है।
बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे। फिर देखिए, हमने उत्केंद्र की बात कर ली, कोण एक्स सी क्यू जो डायग्राम बताया था, बिंदु पी का उत्केंद्र कोण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक्स सी क्यू कौन सा, ये देख लीजिए, ये आपके ये वाला, ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, ये एक्स सी क्यू कहो भले इसको फाई कहो, दोनों एक ही बात है। तो उत्केंद्र कोण की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब बात आती है इस पी के पैरामेट्रिक इक्वेशन, और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या लिखा है इसने, ए कोस फाई बी साइन फाई। ध्यान देना, ये पता कैसे चलता है, अगर आप उस एलिप्स में रखें तो उसको ये संतुष्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये वैल्यू आप इसमें एक्स और वाई की जगह पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन हुए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चलते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, और तो हम इसी की बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए कोस फाई, वाई इक्वल टू बी साइन फाई, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सर्कल में ये चीज एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा थी, याद करो। फर्क क्या है, ये इसमें ए और ये बी है, क्योंकि ए और बी इसमें अलग नहीं है, मतलब सर्कल में, ठीक है ना, और इलिप्स में बी और ए दोनों अलग अलग है, इसलिए खाली ये इस ए की जगह बी आ जाता है। अब इसमें कह रहा है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, ये खास बात है, पी का उत्केंद्र कोण पीसीएम के लिए मना कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मैं ध्यान रखना होगा जो डायग्राम बताया मैंने, ठीक है। अब आता है इसमें मेन बात क्या है, ये जो पूछ रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द एलिप्स, यानी दीर्घवृत्त की जीवा पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। पहली बात तो कोई भी अगर एलिप्स है तो उसकी जीवा की हम बात करें, कोड की, तो कोड कोई भी हो सकती है, जैसे ये हो गई, ठीक है, तो अंदर से जो जा रही है यहाँ से यहाँ तक ये जीवा कहलाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है इसका, जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक अपॉन ए कोस फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन टू प्लस वाई अपॉन बी साइन फाइव वन प्लस फाइव टू अपॉन टू इक्वल टू कोस फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन टू, ध्यान देना, ये जो है कोस फाइव वन माइनस फाइव टू अपॉन टू है। इस पर केवल दो या तीन क्वेश्चन ही बनते हैं मैक्सिमम, और उन्हीं क्वेश्चंस को ये आगे पीछे करके पूछता है, और कुछ भी नहीं है, ध्यान देना। तो ये याद रखना होगा आपको। फिर चलते हम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि जो इलिप्स का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। और मैंने कहा था कि पी एक्स वन बाई वन पर टेंजेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपके पी एक्स वन वाई वन पर टेंजेंट का इक्वेशन है, चिर परिचित, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा है इसने, ये पैरामेट्रिक रूप में निकालना है, ठीक है ना, स्पर्शिका का मतलब आपके जो आपने एक्स वन वाई वन लिया था, इसकी जगह आपके इसने क्या ले लिया, अब ए कोस फाई बी साइन फाई ले लिया। अगर ये वैल्यू आप इस एक्स वन और वाई वन की जगह पुट करें तो देखो आपके ये आ जाएगा, ये वाला एक्स अपॉन ए कोस फाई प्लस वाई अपॉन बी साइन फाई इक्वल टू बना रहा है, खाली आपको इनकी जगह ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो साइन और कोस के रूप में हमारी इस टेंजेंट का इक्वेशन भी इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
और एग्जाम में आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है बहुत सारे, ध्यान देना। ठीक है, फिर चलते हम अभिलंब का समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है ये भी, तो ध्यान रखना। ये ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कोसेक फाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी आप डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे जिसकी जरूरत पड़ती है आपको। फिर चलते हम देखिए वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं हमारे जिसको अपन पहले यूज कर रहे थे, और वो है स्पर्शी युग्म। जिस तरीके से आप किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शी युग्म खींच रहे थे बिंदु P X1 Y1 से, आपको ठीक इसी तरीके से दीर्घ वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शी युग्म खींचना है। ये ऐसे, ये ठीक है, ये आपका P हो जाएगा X1 Y1। ठीक है, तो ये स्पर्शी युग्म बन रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं आपकी बन रही है, और इसके लिए आपके एक ही कंडीशन है, क्या? एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, फिर जो आपके इस फॉर्म में, और मैंने कहा था कि इसका यूज वो कहाँ करता है, समकोण पर कोई भी इस अंतरित करने वाले, केंद्र पर समकोण अंतरित करने की वाली बात जब भी आती है तब आपके ये वाला काम में आता, और कहीं काम आता ही नहीं। जब जब ये यूज करेगा तो सवाल में एक ही लैंग्वेज लिखी आएगी, केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, ये सेंटेंस देख लेना। ठीक है, फिर चलते हम, डायरेक्टर सर्कल आ रहा है इसके अंदर भी, देख लो अभी तक जो पहले पढ़ा अपन ने वो एक्सिलरी सर्कल था, अब आता है डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल में होता क्या है आपको याद आ रहा होगा, हमने पैराबोला में लिया ये इस चीज, उसके अंदर भी आई थी बात। डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ, ये देख लो। ठीक है, नियामक वृत्त दीर्घ वृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के, सॉरी इसमें थोड़ा चेंज है, ये जो है दीर्घ वृत्त की दो लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं के बिंदु पथ को हम दीर्घ वृत्त का नियामक वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करिए आप, जब हम सर्कल जाता है, एक सर्कल का डायरेक्टर सर्कल निकालते हैं तो क्या होता है, आप इसमें बी की जगह ए पुट कर लें तो टू ए स्क्वायर आ जाता है। सर्कल के लिए यही चीज क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बी की जगह ए होता है सर्कल में। ठीक है, फिर चलते हम स्पर्श रेखाओं की संपर्क जीवा। देखिए वही संपर्क जीवा, पोल पोलर ध्रुव ध्रुवी सभी वही चीजें आ रही है, ध्यान देना। ठीक है, तो संपर्क जीवा का भी फॉर्मूला जो स्पर्श रेखा का है वही आएगा। आप तो डायरेक्ट इसको याद रखें, देख लीजिए, यहां इसमें मैंने पूरा बताया नहीं है, लेकिन जो संपर्क जीवा है वो भी बता दूं आपको मैं, कि जो स्पर्श रेखा का समीकरण है वही आपके संपर्क जीवा हो जाएगी, ध्यान देना, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और वही आपके ध्रुवी हो जाएगी, ध्रुवी का समीकरण भी वही है। ठीक है, वैसे भी आ रहा आगे, तो ये आपको ध्यान रखना। एक तो ये कि किसी बिंदु पी अल्फा बीटा से दीर्घवृत्त पर कुल कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ध्यान देखना, चार अभिलंब इसमें, क्योंकि जब टी का विलोपन करते हैं ये आता किससे है आपको बता दूं मैं, इसमें मैंने पूरा किया नहीं है। एक तो इसमें आ रहा कोस फाई, दूसरा आ रहा है साइन फाई, जहाँ फाई क्या है उत्केंद्र कोण, कोस फाई की जगह हम लिखते हैं वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर, साइन फाई की जगह लिखते हैं हम टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, ये हम उसकी स्पर्श रेखा
वाले उसमें पुट कर लेते हैं जहाँ कोस फाई और साइन फाई आता है। ऐसा करने से उसमें वो टी की घात 4 का इक्वेशन बनता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल 4 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसमें आता है ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त पर बिंदु x1 y1 से खींचे गए चारों अभिलंबों के पादों, है ना, पादों से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, ए स्क्वायर एक्स वन वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई वन, डायरेक्ट इसको रिजल्ट के रूप में याद रखें आप। फिर आता है पोल और पोलर, ध्रुव और ध्रुवी, सेम कॉन्सेप्ट है ध्रुव ध्रुवी का, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा, आपको डायरेक्ट याद रखना। इसमें इक्वेशन ऑफ पोलर कह रहा है, तो देख लीजिए वहीं स्पर्शिका का समीकरण है और ये इसने ध्रुव के निर्देशांक निकाले। अब मैं वही बात पूछता हूँ कि ध्रुव के निर्देशांक यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, माइनस का ए स्क्वायर एल अपॉन एन, माइनस का बी स्क्वायर एम अपॉन एन, क्या करेंगे आप, याद करने बैठेंगे? नहीं, आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण तो हो गया आपका ये, और आप स्पर्श रेखा मतलब ध्रुवी का समीकरण हुआ, और दूसरा आपको एक सरल रेखा ले लेनी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0, आप इन दोनों को कंपेयर कर लें और इससे आप एक्स वन और वाई वन निकाल लें, यही आपके ध्रुव के निर्देशांक है। कहीं कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी काम है। अब यूनिक इलिप्स के लिए अलग से याद रखो, यहाँ अगर आपके सर्कल आ जाए वृत्त, तो आप वृत्त कर देना एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू वन, फिर कंपेयर कर लें। अगर इसकी जगह आपके पैराबोला आ जाए, तो पैराबोला के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैंने बता रखा वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे आप, 2y, सॉरी ये आपको इसकी जगह वाई वाई वन इक्वल टू 2a, और 2x की जगह पर क्या लिखे x प्लस एक्स वन, ये आपके आ गया स्पर्शरेखा का समीकरण और वही ध्रुवी का समीकरण। तो आप पैराबोला का हो तब इसका और इसका कंपेयर कर लें, तो उस समय उसके ध्रुव के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका कर्व चेंज हो रहा है खाली, और आपको एक ही लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन से आपको कंपेयर करके और एक्स वन वाई वन के मान निकाल लेने हैं। फिर चलते हैं हम, अब इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा, देखो संयुग्मी रेखाएं, कॉन्जुगेट लाइंस और कॉन्जुगेट पॉइंट्स, ये आप इसमें देख सकते हैं संयुग्मी रेखाएं होती क्या है। तो कॉन्जुगेट लाइंस मतलब दो रेखाएं एक दीर्घवृत्त के सापेक्ष संयुग्मी रेखाएं कहलाती है, जबकि एक रेखा का ध्रुव अन्य रेखा पर विद्यमान हो, एक रेखा का ध्रुव दूसरी रेखा पर विद्यमान हो तो वो दोनों रेखाएं संयुग्मी व्यास कहलाती है। ठीक है, संयुग्मी बिंदु की बात करें मतलब, तो उसमें क्या है, पी की ध्रुवी क्यू से न क्यू की ध्रुवी पी से गुजरे, तो उस समय ये पी और क्यू दोनों संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है ना, मतलब बहुत इजी काम है, पूरा लैंग्वेज का कुछ नहीं, पी की ध्रुवी क्यू से और क्यू की ध्रुवी पी से गुजरे तो उस केस में पी और क्यू क्या कहलाएंगे, संयुग्मी बिंदु, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है, फिर चलते हैं हम इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है, जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो, यानी उस दीर्घवृत्त की उस जीवा का समीकरण निकालना जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो, और मध्य बिंदु के लिए हमने जैसा काम सर्कल के लिए किया था टी इक्वल टू एस वन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, तो ये आपके टेंजेंट टी मतलब और एस वन मतलब ये टेंजेंट की लेंथ लंबाई, याद आ रहा है ये क्या है, पीटी तो है लंबाई उसकी बस, तो ये टी इक्वल टू एस वन यूज कर लो। फिर इसमें आता है व्यास, डायमीटर, किसी दीर्घवृत्त की समांतर जीवाओं, देखो ये व्यास होता है जो मैं उसमें बात कर रहा था, तो ये समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पथ उन जीवाओं के सापेक्ष क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त का व्यास। समांतर जीवाएं इट मीन्स ये आपका एलिप्स, ठीक है, अब इसमें आप समांतर जीवाएं बना लें, ये जीवाएं समांतर हो गई, ठीक है, अब इनका मध्य बिंदु की अगर बात करें हम तो क्या हो जाएगा, सपोज
जैसे देखो, तो ये इनका मध्य बिंदु ले लो आप, ठीक है, और इससे जाने वाला जो जीवा है, ये जीवा आपके क्या कहलाएगी, व्यास, ठीक है ना। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं। तो व्यास का समीकरण निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास में ऑप्शन है। देखो हम इसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ डायमीटर के लिए आपके क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम एक्स। ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना, अपन कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं, लेकिन हर फॉर्मूले को अपन डिराइव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर सहगमी व्यास के लिए प्रतिबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो आरपीसी का, और चाहे आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, और चाहे आप कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसमें आपके संयुग्मी व्यास के लिए जो प्रतिबंध क्या आ जाएगा आपके, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये है आपके एम एम डेज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कॉन्जुगेट डायमीटर होता क्या है, किसी दीर्घवृत्त के दो व्यास संयुग्मी व्यास कहलाते हैं यदि प्रत्येक व्यास दूसरे की समांतर जीवाओं को बाइसेक्ट करे। सब ये ध्यान देना, ऐसी चीजें याद रखने की होती है परिभाषाएं, क्योंकि अब आने वाले जो एग्जाम्स है उसके अंदर डायरेक्ट रिजल्ट पूछना इन्होंने कम कर दिया है। एक तो वो थ्योरी की तरफ घुसता है, मैन डेफिनेशनल, उसकी डेफिनेशन से आपको आगे बढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है ना, डेफिनेशन से वो डायरेक्ट क्वेश्चन निकालता है नए तरीके से। अगर आपने समझी है तो आप उसका आंसर दे पाओगे। तो ये आपके संयुग्मी व्यास होने की शर्त है, एम एम डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब संयुग्मी व्यास के कुछ गुणधर्म है आप देख लें। एक तो कह रहा दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों के सिरों के उत्केंद्र कोणों में एक समकोण का अंतर होता है, ठीक है, मतलब अगर आपका जो दीर्घवृत्त है, ठीक है, ये वाला, और इसमें आपके देखिए एक व्यास आपका ये वाला है, दूसरा व्यास अगर ये वाला है, तो उस कंडीशन में जैसे मान लो ये P P डेज और Q Q डेज है, तो P के कोऑर्डिनेट अगर आपके A कोस फाई B साइन फाई है, तो Q के क्या बन जाएंगे आपके पाई बाई टू का डिफरेंस, कैसे, तो Q के मैं यहां लिख रहा हूं वो हो जाएगा A कोस और पाई बाई टू माइनस या प्लस कर दें फाई कोमा बी साइन पाई बाई टू प्लस फाई, मतलब क्यू क्या बन गया आपके, क्यू बन गया माइनस ए साइन फाई कोमा बी कोस फाई। ये डिफरेंस है, ध्यान देना, और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, क्यू और इसके पी में दोनों में डिफरेंस का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, देखिए इसने जो बात मैं बता रहा था वो इस डायग्राम इसने बता रखी है, मैं ये वही डायग्राम है जो मैं बता रहा था अभी। ये आपके P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, P के A cos phi B sin phi, तो Q के क्या बन जाएंगे, ये आपके Q है, तो ये बन जाएगी आपके माइनस A sin phi B cos phi। बस ये पाई बाई टू के डिफरेंस को अपन को यूज करना है। दूसरा कह रहा है कि संयुग्मी व्यासों के अर्धव्यासों के वर्गों, अर्धव्यास मतलब ये अर्धव्यास और ये अर्धव्यास, इसका और इसका दोनों के वर्गों का योग क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद रखने चाहिए, ठीक है, बस डायरेक्ट इस पर रिजल्ट ही ध्यान रखोगे तो आपके एग्जाम में आप बड़े कर पाओगे। फिर आता है नेक्स्ट, दीर्घवृत्त
कि किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं संयुग्मी व्यास के समांतर होती है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आता है दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कॉन्स्टेंट होता है और अक्षों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान देना, अक्षों के गुणनफल, इट मीन्स क्या कहा इसने, अक्षों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखना। 4AB मतलब 2A इंटू 2B यानी कि 4AB, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, डायरेक्ट यहां से वो क्वेश्चन बनाता है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपका 2D का इलिप्स का कंप्लीट हुआ, मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको उस पर सारी इसकी प्लेलिस्ट और सारे फॉर्मूलों की PDF भी वहाँ मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना।